हेलो एवरीवन, राम राम, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको ले आई हूँ अपने स्कूल के गार्डन में और मैं दिखाऊंगी आपको कि ये समर के टाइम चल रहा है, अभी इतनी धूप और इतनी गर्मी है, और उस दौरान कितना अच्छा, कितना सुंदर फूल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि गर्मियों में इतना फूल होता नहीं, ये रोज़ है। देखिए कितनी अधिक मात्रा में है। तो जब मैंने यहाँ पे पता किया कि इतने सारे फूल कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि रोज़ तो मैंने भी लगा रखा है, इतना अच्छा नहीं आता है गर्मियों में, तो उन्होंने बताया कि सब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक खाद बनाई जाती है उससे। ये देखिए, ये एक तरह से कमल की ही प्रजाति होती है, उसी की फैमिली से होती है। तो कुछ लोग ने इसको लीली बताया, कुछ ने क्या कमल बताया, लेकिन आप देखिए ये कमल जैसा दिख रहा है लेकिन कमल है नहीं। और इसको टब में लगाया गया है, पानी का टब है, नहाने वाला जो टब मोस्टली हम यूज़ करते हैं वही वाला टब है इसको, बस इसमें सिर्फ पानी है। देखिए सर, इसके पेटल सूख गए हैं तो वो इस तरह से दिख रहा है। इसमें इसके बीज होते हैं छोटे छोटे से, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊँ, बड़ा यूनिक लगा और मुझे बहुत सुंदर लगा। अगर आप भी अपने घरों में ये प्लांट लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा, गर्मी में भी ठंडी का एहसास देंगे ये, इतनी खूबसूरती से ये खिले हुए हैं। और भी ऐसे बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स हैं, मैं आपको दिखाती रहूँगी, आप बताना इसको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में।